2024 का स्टार्ट शुरू हो चुका है और इस दरमियान भागलपुर लोकसभा में दो बड़े प्रतिद्वंदी हैं। एक हैं अजीत शर्मा जो कांग्रेस से हैं और दूसरे हैं अजय मंडल जो जदयू से हैं, मतलब एनडीए गठबंधन से हैं। तो आज इसी दरमियान भागलपुर में अजीत शर्मा के समर्थन में राहुल गांधी का दौरा हुआ और उन्होंने एक विशाल सभा किया जिसमें कई जगहों से दूर दूर से पूरे भागलपुर लोकसभा के अंदर जितने आते हैं वहां से लोग आए हैं और उनके समर्थन में लोग आए थे। तो आइए जानते हैं जनता की क्या राय है इस बार, क्या चाहते हैं, वो विकास चाहते हैं या फिर से वही बकवास चाहते हैं जो 5 साल तक भागलपुर में हो रहा था। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग को अब ना ये जाति और धर्म से मजहब से ऊपर उठ के युवाओं को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए। यहाँ तक बात भागलपुर की कर रहे हैं जो अजीत शर्मा जी हैं, 5 साल तो अजय मंडल जी को जे के देख लिए, वो कितना विकास किए खुद उसके गांव में जाके देखिएगा ना। मंडल जी जो है 5 साल रहे लेकिन किसी गांव में 5 साल के दरमियान नहीं ये पूछने गए कि तोरा गांव में की होलो छो, नहीं तो आप उसके गांव के जनता से पूछ लीजिएगा। वो आए जितने जीते खाली जिला ऑफिस में जो है वहाँ थोड़ा सा हुआ आधा घंटा मीटिंग, नहीं तो पूछ लीजिए यहाँ तो कहने का तात्पर्य पूरे 5 साल वो आए ही नहीं आप लोगों के पास। दूसरे जात का छोड़ दीजिए, यहाँ तक जो मंडल जी हैं वो अपने मंडले जात का पूछ लीजिए ना कि उनका विकास कितना दूर तक किए हैं, ये तो पता चल जाएगा ना। क्या आपका क्या राय है? क्या हम लोग तो देखे नहीं है आज तक अजय मंडल को, वो कैसे विकास या बकवास? विकास चाहिए मुझे। विकास के लिए किसे चुन रहे हैं आप लोग? राहुल गांधी को। राहुल गांधी यानी अजीत शर्मा, भागलपुर के लिए अजीत शर्मा। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? हम सच सोचते हैं यही सर, सब युवा को रोजगार मिले, नौकरी मिले, घर में ये जो राशन पानी मिल रहा है सभी को तो मिल ही रहा है, लेकिन आज शिक्षा नहीं मिल रहा है। शिक्षा अगर मिलेगा तो हर घर का बच्चा, देश का बच्चा आज नाम रोशन करे। आप कहाँ से आए? मेरा घर है हवाई अड्डा सजीरा नगर सर। क्या कहना चाहेंगे चाचा आप? ये है कि रावी की रानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। अरे तू खुद तो बदल तब तो ये जमाना बदलेगा। राहुल गांधी ने जो आज स्लोगन दिया है, जो आइडियोलॉजी दिया है हम लोगों को, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और गठबंधन की सरकार, तो भागलपुर का विकास या बकवास? भागलपुर का विकास होगा, अजीत शर्मा ही यहाँ के सांसद चुने जाएंगे। अजीत शर्मा जी हाँ, चुने गए। आप क्या कहेंगे? अजीत शर्मा जिंदाबाद और जीतेंगे। और इस बार जो कैंडिडेट दिया गया है तेजस्वी यादव ने जो दिया है भागलपुर के लिए, सोच समझ कर दिया है और जनता जो है इस बार बहुत खुश है, भारी बहुमत से अजीत शर्मा जीतेंगे और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन के रहेंगे। बोल दिया, मेरा नाम है कुमोद यादव, नवगछिया अनुमंडल सोहरा गद्दी आरजेडी अध्यक्ष। एनडीए का कहना है इस बार 4 लाख पार। आप क्या कहेंगे? कुछ ना कुछ झूठो पार कुछ कहीं ना वो अभी उसका कैमरा में ना था खलिया कुर्सी का फोटो लेने के लिए। अजीत शर्मा कहेंगे? अजीत शर्मा बहुत ईमानदार नेता है भागलपुर का और विधायक भी दो बार तीसरा बार हैं विधायक भी और जीतते आ रहे हैं। इसमें खासियत थी कि गरीबों का ये नेता है और लोग यहाँ चाहते हैं भागलपुर के जनता, और बड़ा सोच समझ के हमारे महागठबंधन के जो आदरणीय नेता हैं तेजस्वी जी, लालू जी और जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं राहुल जी, सब सोच साच के यहाँ पर इनको दिया गया है टिकट और भारी मतों से जीत रहे हैं, 1.5-2 लाख से जीत रहे हैं। अभी के प्रेजेंट जीत रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं भागलपुर। अजीत शर्मा कहना चाहेंगे? कहना चाहते ही तो बेमानी करके जीतता, बक्सा चेंजिंग कर लेता, अपने पैर में अपने से कुल्हाड़ी मारता। कहना चाह रहे हैं बीजेपी का जो है ना इस बार अंतिम संस्कार होना है, कोई नहीं रोक सकता है इसको। और सिर्फ यही भाई क्या कर रहे हैं, बीजेपी का अंतिम संस्कार पूरे देश में सिर्फ यहाँ नहीं पूरे देश में। एक सवाल आपसे कि आखिर अजीत शर्मा में क्या विशेष लग रहा है इस बार वो जीतेंगे? अजीत शर्मा जीत चुका है, वो जीतेगा नहीं, वो जीत चुका है। आप लोगों के लिए रिजल्ट के पहले ही वो जीत चुका है। हाँ, रिजल्ट आने के पहले ही। देखिए बड़ा जोश है आज के इस सभा को देखते हुए, जो समर्थक हैं और आम जनता में एक अजब गजब उत्साह है।